शहडोल मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक प्रसूता की ऑपरेशन थिएटर में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के सामने हंगामा करने लगे। दरअसल मृतका की सास नानबाई चौधरी ने बताया कि वह अपनी बहू सोनू चौधरी को डिलीवरी के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराई थी, जहां डॉक्टरों की लापरवाही के चलते सोनू की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच में जुटी है। फरियादी नानबाई ने बताया कि वह बहू को पहले उमरिया जिला अस्पताल में भर्ती कराई थी, जहां क्रिटिकल केस होने के कारण डॉक्टरों ने सोनू को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। मृतका के पति और सास का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से बहू सोनू की मौत हुई है। वहीं फरियादी नानबाई ने जिम्मेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर इस मामले में सुहागपुर पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जाँच में जुटी है। मेरी लापरवाही से जान चली गई मेरी बहू की। इलाज करवाऊँ, डिलीवरी केस लेके आई हूँ, ऑपरेशन से बच्ची हुई। ऑपरेशन के बाद मेरी बहू ठीक, बच्ची ठीक। इसके बाद 3 बजे से सुई शिफ्ट बाई मेटा माई तो लगाई सूजी, तो चटपटाने लगी थोड़ी बहुत। फिर आई तो फिर लगाई से एक सूजी, खूब चटपटाने लगी। इतने माही खूब एकदम से बाय का झटक आ गया, वही एकदम पानी और ठंडे मार हो गया, ठंड हो गया। डॉक्टर आए थे? डॉक्टर कोई नहीं, वही नर्स जब बुलाने जाती तो कहती थी कि यार तुम्हारे भर परसेंट है, हमारे ये परसेंट है, ये है वो है, क्या तुम्हारे भर को देखे, वो ठीक है, वो अच्छी है, भागो तुम यहाँ से, दूर हो, हटो यहाँ से, यही बोलती थी। कोई डॉक्टर नहीं, वही नर्स वही डॉक्टर है साहब, कोई डॉक्टर देखने नहीं आए, कोई डॉक्टर देखने नहीं आए साहब। नानबाई चौधरी, मेरी बहू के जो सटक नाक में है, कम से कम 1.5 बीता नाक में सटक घुसी है। जब सटक घुसी तो मेरी बहू ने आँख कलथा दी है, आँख कलथाई में सटक मुँहों में डाले हैं। सोनू चौधरी जिला उमरिया की रहने वाली है, इसको मेडिकल कॉलेज में ला करके कल भर्ती कराया गया था, उसका ट्रीटमेंट किया गया, ऑपरेशन हुआ था, लेकिन ट्रीटमेंट के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी रिपोर्ट उसके परिजनों द्वारा थाना सुहागपुर में किया गया है। 0 पर मर कायम करके जाँच हेतु उमरिया भेज दिया जाएगा।